मैं ये कहता हूँ कि देश की दो तिहाई जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि देश की दो तिहाई जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है, 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं, न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है, मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। देश की रक्षा नीति को कमज़ोर किया गया, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में 2 जून की रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है। तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता निकलेगा।